हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के तुम्हारे संगे शेयर करब हमारे रात्रे डिनारे रेसिपी की है। तो आज के हे बुधवार बाहर प्रचंड बिस्टी हो बिस्टि मान तो एक तेले भाजा खेते मन चाय तो आज के परोटा आलुर दम और तारे गाजर हलुआ। तो चलो समस्त क्यों करोम संगे आज के शेयर करब तो चलो जावा जा। एखे देखो आटा नहीं मध्य अल्प एकटू बेकिंग सोडा नून अल्प एकटू चीनी नहीं अल्प एक मैदाओ नहीं परोटा करब और एखे देखो गाजर हलुआ जेहेतु है तर मामी ग्रेटर नहीं चले ग्रेटर मध्य गाजरगुलो देखो भलोक छड़िए नीचे खोसाटा तरह ये ग्रेट कर तो ये हमें मैदा नहीं चामच एमनी आटा नहीं संगे मैदा और अल्प एकटू गुड़ो दूध दिए दीजिए और सबगुलो शुकनो उपकरण यो देखो हमें सब एक संगे भलोक आगे मिसिए निचि खाली तपर एर मध्य मामने देखो दिए दीचे तेल तो तेलटा एक बसि परमाणे ही दिए दीचे तो जैक हमें पुरोटा एक भलोक माखिए नेब और तरपर अल्प अल्प जल दिए मयदाटा मेखे नेब। देखो मयदाटा एक बसि तेल देवार कारण ए रकम एकटू पुरो लाल लाल लागे तो एचड़ा एम पोटा क्योंकि खेते भलोई तो ये हमारे भलोक माखा हो गए। देखो यकम भाव डो करी ये ढाका दिए रेखे दीचे और एखे मामन गाजरटाओ ग्रेट करा गए प्राय तो ये ढाका दिए रेखे देव और एखे हमें आलू पिंज़ नहीं चले जेहेतु आलुर दम है तो ये मामन गाजर हलुआ करार्जन एकदम घियर मध्य ही कजू और किशमिश ओगुलो के भेजे निचे और तार मध्य दिए दीचे हे गाजर मैं एके बारे घर मध्य जेहतु यो भाजा हाँ ये क्योंकि खेते खूब ही टेस्टी और सत्य बोलते कि एमनी अन्न्य घी केम लगे जाए ना क्योंकि सुरभि घीटा ना दी एक टेस्ट है ये क्योंकि सत्य मैं तो सुरभि घीटा यूज करा है। तो देखो एखे मामनी दूधो दिए दीजिए एकटू दूधा कम पड़े जेहेतु गुड़ो दूध मैं अमूल स्प्रे तो मामनी तरह और एक गरम जल बसिए और मध्य अल्प एक गुड़ो दूध मिसिए निचे मैं जतटा प्रयोजन तो से ही मत दिए आबार एर मध्य ढेले देव। तो सत्य बोलते गाजरेर हलुआ आमी एकटु माने खूब कम ही खेयेछि किन्तु भालोई लेगेछिलो जेहेतु एकटा घिर स्मेल आसछिलो काजू किशमिश छिलो तो तार जोन्नो गाजरेर हलुआटा खूब ही भालो छिलो। जारा डिनारेर पर बा लांचेर पर एकटु मिष्टि खेते भालोबासे अवश्यई डिनारेर पर खेलेई भालो लागबे तो आमार किन्तु एटा खूब ही भालो लेगेछिलो गाजरेर हलुआटा। तो एरकम देखो भालो मतो एकदम नाड़ाचाड़ा करे जखन एटा एकटु शुकिये जाबे माने ओई दूधटा एकटु माखो माखो हये जाबे तखन एटाके नामिये नेब। तो ये देखो लेची काटा हो गए परोटार जो और ये मामनी हे गाजर हलुआ शुकनो शुकनो कर नहीं हे मामी काटिए दी सत्य बोलते एक संगे थकले ना यटाई एक आनंद मैं सबा जेटा जेटा है सेगलो दिए जान अनेक खावा हो जाए। तो ये परोटागुलो देखो जेहेतु अनेक तेल दे तर बेसि तेल लागे ना भाजार जो और ये आलूगुलो काटा हो गए परोटागुलो गले गाजर हलुआ तो साइडे एकटू नहीं टेस्ट करेम जो केमन हो तो परोटागुलो भलोक भाजा एगुलो किन्तु गरम गरम जदि खाओ ना माने एइभावे जे गरम गरम एटा किन्तु खेते खूब ही टेस्टी माने खूब नरम होयेछिलो आर कि। तो परोटागुलो हो गेछे एरपर आलुर तरकारीटा होबे शुधु आलुर तरकारी होबे तार जोन्नो प्रथमेई कड़ाइते तेल दिए दिच्छि आर एर मध्ये दिए देबो प्रथमे आलुगुलो भेजे नेब भालो करे आर तारपरे मसलागुलो कषिये नेब। तो आमी माने रान्ना ठीक अतटा जानतम ना किन्तु मामुनिर काछ थेके देखे देखे मोटामुटी शिखेछि माने खावार मतो खावा जाबे एरकम। तो देखो एखाने आलुगुलो प्रथमे मामुनि भेजे निच्छे कारण जेहेतु आमी भिडियो करछिलाम तो आलुटा भाजा हये गेछे एरपर कड़ार मध्ये हच्छे जे दिए देबे पिंज और लंका जेहेतु काँचा लंका दीची तई काँचा लंका दिए दिल और अल्प एकटू गुड़ो लंका देव जाते एक कलर है तो एर मध्य रसुनो दिए देवा हुए एरपर देखो लंका गुड़ो हलुद और आदा बाटा समस्तटा दिए एक भलोक मसलाटा नड़ाचाड़ा कर मसलाटा जाते एक मैंने लंकाटा भलोक भाजा हो जाए एरपर आदा स्मेलटा जाते ना थे तार जोन्नो भलोक एक नड़ाचाड़ा कर। तो एरपरे नून जेहेतु आमी एकटु पिंयाजेर मध्ये अल्प दिएछिलाम आलू भाजार संगे दिएछिलाम ताई जोन्नो आर नून एखन दिलाम ना आर एटा एकटु जिरे धने गुड़ो दिए दिलाम। तो मसलाटा देखो लाल लाल हये गेछे आमी अल्प एकटु जल दिए दिएछि जाते लेगे ना जाए कड़ाइते तो तारपरे आलूगुलो दिए भालो करे एकटु कषिये नेब आर कषिये भालो करे कषिये नेवार पर परिमाण मतो जल दिए आर ढाका दिए रेखे देब दिए दिलेई आलू तरकारीटा हये जाबे। सत्यि बोलते जेहेतु एटा चंद्रमुखी आलू एटा किन्तु खूबई टेस्टी होयेछिलो आलू तरकारीटाओ आमार तो एमनिते आलू तरकारी खेते भालो
ভালোই লাগে। তো দেখো জলও আমি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো, আর এখানে এক বাটি জল রেখেছি, এবার যতটা লাগবে সেই মতো জল দিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এরপর যখন জলটা পুরোটা ফুটে উঠবে তারপর গ্যাসটা কমিয়ে দেবো। এখন গ্যাসটা বাড়ানো আছে, তো ফুটে উঠেছে। দেখো এখানে প্লেটের মধ্যে পরোটা নিয়ে নিয়েছি, গাজরের হালুয়া, আলুর তরকারিটা হয়ে গেছে, আর মামিদের ঘুগনি হয়েছিল সেটাও দিয়ে গেছে। তো তোমরা দেখলে যে আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। তো খাবারগুলো কিন্তু সত্যিই খুব ভালো হয়েছিল, আলুর দমটা কিন্তু খুবই টেস্টি হয়েছিল। তো তোমাদের পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর গাজরের হালুয়াটা যেহেতু গাজরগুলো ঘি দিয়ে ভাজা হয়েছিল সেজন্য কিন্তু গাজরের হালুয়াটাও খুব টেস্টি হয়েছিল। তো তাহলে আজকের মতো তোমাদেরকে গুড নাইট, দেখা হবে পরের ভিডিওতে, টাটা।